12 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। धोनी के बाद रोहित के हाथों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आने वाली है। देश एक बार फिर से जश्न में डूबने वाला है। जी हाँ, टीम इंडिया के कप्तान ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को हाथों में लेकर देश के 125 अरब लोगों से इसे जीतने का वादा कर दिया है। अमेरिका में ICC के इवेंट के दौरान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाया और इसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाए। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भरोसा है कि भारत में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान दर्शकों से मिलने वाले जबरदस्त समर्थन के दम पर उनकी टीम खिताब जरूर जीतेगी। भारत ने साल 2011 में अपनी ही मेजबानी में हुए वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खिताब को जीता था। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को देखने के बाद रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा आपको वो बताते हैं। मैंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को इतने करीब से कभी नहीं देखा था। हम 2011 में जीते थे लेकिन मैं उस टीम में नहीं था। ये सुंदर ट्रॉफी है और इसके पीछे कई यादें, अतीत और इतिहास है। ये बहुत सुंदर है और उम्मीद है कि इस बार हम इसे जरूर जीतेंगे। टीम इंडिया के कप्तान को भरोसा है कि होम क्राउड के सामने उनके सपोर्ट से भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने में कामयाबी जरूर हासिल करेगी। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा आपको वो बताते हैं। मुझे पता है कि मैदान पर हमें जबरदस्त समर्थन मिलेगा। ये वर्ल्ड कप है और हर किसी को इसका इंतजार रहता है। भारत में 12 साल के बाद वर्ल्ड कप हो रहा है। पिछली बार हमने 2011 में वनडे विश्व कप की मेजबानी की थी। हमने साल 2016 में 20 ओवरों का विश्व कप खेला, लेकिन वनडे विश्व कप देश में 12 साल बाद हो रहा है। लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। अभी से हाइप बननी शुरू भी हो चुकी है। हिटमैन ने पिछले 2 वनडे वर्ल्ड कप खेले हैं। साल 2019 में तो रोहित गजब के फॉर्म में थे। इंग्लैंड में उन्होंने 5 शतक जड़े थे। हालांकि टीम सेमीफाइनल से आगे नहीं पहुंच पाई। पिछले 2 वर्ल्ड कप को याद करते हुए रोहित ने फैंस से वादा किया कि इस बार भारतीय टीम इसे जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैंने 2015 और 2019 वर्ल्ड कप खेला। ये शानदार अनुभव था। हम सेमीफाइनल तक पहुंचे लेकिन फाइनल नहीं खेल सके। अब वर्ल्ड कप फिर भारत में है और हमें पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है। वर्ल्ड कप में हर दिन नया है और नई शुरुआत करनी है। ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है जिसमें एक दिन आपका पलड़ा भारी है तो अगले दिन भी जारी रहेगा। रोहित की बातों से हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस की आस एक बार फिर से जगी है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया 12 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से अपनी सरजमी पर वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगी।